नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा की ग्राम पंचायत बिचपुरी के प्रधान पर बीते दिनों हुए हमले के मुख्य आरोपी अभी तक फरार घूम रहा है, जिसे पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिसको लेकर प्रधान संगठनों और हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश है। और देखिए किस प्रकार उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि आगरा के जयपुर हाईवे स्थित मिड़ाकुर के सचिवालय में सभी प्रधानों ने एक बैठक की और बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी गुरुवार को संजय पैलेस स्थित शहीद स्मारक पर जिला प्रधान संगठन की एक बैठक आयोजित की जाएगी, पंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें महापंचायत में देखिए किस प्रकार फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है, इसको लेकर भारी आक्रोश है। और उन्होंने कहा है कि जब तक प्रधान पर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यह प्रधान संगठन गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेंगे और बड़े आंदोलन की ओर उन्होंने इशारा किया है। तो जानते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ पर वक्ताओं का, किस प्रकार उन्होंने आक्रोश प्रकट करते हुए पुलिस से गिरफ्तारी की मांग की है। आज मीटिंग रखी, मेरा मजीद चाह रहा है प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बराड़ा। देखिए आज इस मिड़ाकुर में सोरत महापंचायत स्थल पर यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, हिंदूवादी संगठन और हमारे प्रधान साथियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और पंचायत रखी है। गत दिनों पहले हमारे बिचपुरी के प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान जो है लोकतंत्र की सबसे नीचे वाली और मजबूत कड़ी होती है, और जो कि एक जनप्रतिनिधि है, क्योंकि जो भी चुनकर जाता है, चाहे विधायक हो या सांसद हो या प्रधान हो, जनप्रतिनिधि होती है, जनता की आवाज़ होती है। तो ऐसा कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ एक भूमाफिया और एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो दिन दहाड़े शाम को अपनी गाड़ी में डाल के ले जाता है, घर में ले जाने के बाद अपहरण करने के बाद और फांसी के फंदे से लटकाने का प्रयास जैसा कुकृत्य करता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार है, इसमें माननीय योगी जी ने कहा था कि माफियाओं को तो मिट्टी में मिला देंगे, उसके बावजूद भी आगरा में ऐसे माफिया अपना सिर उठा रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है कि ऐसे माफिया जो अपना सिर उठा रहे हैं, ऐसे माफियाओं को फिर से मिट्टी में मिलाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये हमारे केवल एक बिचपुरी के प्रधान साथी नहीं, पूरे जिले आगरा के प्रधान साथी हैं, सभी की भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि होता है अपना घर बार छोड़ के, कोई तनख्वाह पर काम नहीं करता है, सरकार एक मानदेय देती है और अपने जान हथेली पर रख के जनता के विकास के लिए, भावनाओं के लिए काम करता रहता है। लगातार वो व्यक्ति धमकी दे रहे हैं, आज एक प्रधान के साथ है, कल दूसरे प्रधान के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। जब इस प्रशासन के रहते हुए इस योगी सरकार में एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो एक आम जनमानस की क्या कल्पना की जा सकती है। तो हमारा यही है, प्रशासन से हम यही आह्वान करना चाहते हैं। अभी 3-4 दिन पहले भी हमारे प्रधान साथी मिले थे, माननीय प्रीतिंदर सिंह जी, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने 5 दिन का समय मांगा था। हम फिर भी 3-4 दिन का प्रशासन को और समय देते हैं और बृहस्पतिवार को शहीद स्मारक पर पूरे जिले के प्रधान साथियों का एक मीटिंग होगी। अगर उससे पहले प्रशासन कार्रवाई कर देता है तो ठीक है, बना उस मीटिंग में तय करेंगे। और पूरे जिले की एक प्रधान साथी, क्योंकि प्रधान चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सभी ग्रामीणों की एक बहुत बड़ी महापंचायत, जिसमें हमारे हिंदू संगठन भी साथ रहेंगे, ऐसे गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है और उसका आह्वान किया जाएगा। और बृहस्पतिवार को प्रधानों की मीटिंग में आगे की रणनीति और रूपरेखा तय की जाएगी। जी नमस्कार, मैं प्रदीप प्रधान, बिचपुरी। घटना 23 तारीख की है, 22 तारीख की रात की, यह आपका सौगात अली आता है मेरे को इस तरीके से फायरिंग करके मेरे ऊपर। मैं जैसे तैसे बचता हूँ, फिर भी मेरे को गाड़ी में डाल के अपने घर ले जाके फांसी लटका के फंदे से मारने की पूरी कोशिश किया, पुलिस ने जैसे तैसे बचाया। अब मैं लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ कि मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है, वो लगातार मेरे को धमकी पे धमकी दिए जा रहा है और अभी तक पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। ये पुलिस की कार्यशैली पर बहुत बड़ी उंगली उठाने का कार्य है कि एक गुंडा प्रगति का आदमी इस तरीके से खुलेआम घूम रहा है। मैं बिचपुरी से प्रधान हूँ, मैं जनसंपर्क नहीं करूँ तो क्या करूँ। अब मेरे को ये भी डर लगा रहता है कि जनसंपर्क में कहीं वो मेरे को कुछ करना दे, अगर मेरे को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, प्रशासन लेगा या पुलिस लेगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और इस गुंडे को कैसे भी करके पकड़ के। क्या उसमें कोई घटना में हुई, जो घटना हुई थी उसमें कोई पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? जी, बिल्कुल 307 का मुकदमा दर्ज किया गया। इसकी क्राइम हिस्ट्री भी बहुत काफ़ी बड़ी है, 302 का भी मुकदमा है और आजीवन कारावास पे भी है और कई पुलिस वालों के साथ भी इसने मारपीट की है, बहुत सारे मुकदमे हैं इस पर। ये लगातार ऐसे ही करता रहता है।
उसमें कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है कि? एक गिरफ्तारी हुई थी, ये 22 तारीख की रात को ही हुई थी, रजिया जो इसकी बहन थी जिसने फंदा बनाया था, और वो फंदा भी उसी स्थान में पाया गया। इसी षड्यंत्र में कितने लोग शामिल थे? इस षड्यंत्र में 5 तो नाम जानते हैं और 3 अज्ञात हैं। अब क्या चाहते हो? मैं बिल्कुल यही दुआ लगाता हूँ, माननीय योगी जी की सरकार है, जब उन्होंने गुंडों पे इतना अंकुश लगा रखा है तो इस गुंडे पे भी अंकुश लगाए। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इस तरह से विचार गोष्ठी रखिए, क्या मैं निर्देश इसका? मेरा नाम भोज कुमार है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी संसद जनसंख्या समाधान फाउंडेशन। कुछ दिन पहले बिचपुरी के प्रधान जी हैं उन पर एक भूमाफिया और एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया। इससे हिंदू संगठनों की, प्रधान संगठनों की भावनाएं आहत हुई हैं, और आहत इस बात से नहीं, झगड़ा हो भी जाता है, लेकिन जो पुलिस की जो कार्रवाई सुस्त रही है, हम कमिश्नर साहब से मिले, सारे जनप्रतिनिधियों से भी मिले, लेकिन उनके आश्वासन के बाद भी कहीं कोई ऐसी वो नहीं दिख रही कि उस पर कोई खास दबाव बन रहा है या वो गिरफ्त में आया हो। तो इसको लेकर के अब आगे की रणनीति के लिए आज कुछ हिंदू संगठन और प्रधान जो क्षेत्र के हैं सम्मानित, उनकी बैठक हुई है और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। अगर शासक प्रशासन अगर नहीं आपकी बातों को, मांगों को नहीं पूरा करता है तो आप लोग क्या करेंगे, क्या है? वैसे तो शासन प्रशासन ने जो राकेश टिकैत जी बैठे थे वहाँ पे भी मानिए, अमृतपाल ने एक बंदा छुड़ाया था अपना वहाँ पे भी मानिए, हमारी नहीं माने तो कह नहीं सकता, लेकिन वैसे नाजायज मांगे तो है नहीं, प्रशासन को तो माननी चाहिए। अगर आपराधिक प्रवृत्ति उसकी नहीं भी होती, इतनी तो प्रशासन जांच कर ही सकता है ना, जब आप अगर आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है, हम गलत हैं, तो वो निरस्त कर दे, लेकिन जब वो है इस प्रवृत्ति का तो क्या दिक्कत आ रही है, हम कोई नाजायज मांग कर रहे हैं क्या, माननी पड़ेंगी उनको मांगे। अब हम यही चाहते हैं कि उस पर जिस तरीके से यूपी पुलिस प्रसिद्ध है कि इस तरीके की कार्रवाई माफियाओं पर करती है, नॉर्मल गिरफ्तारी नहीं, एक कड़ा मैसेज होना चाहिए कि जिस तरीके से यूपी पुलिस अब दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस से आगे निकल गई है कि इस तरीके की कार्रवाई करती है माफियाओं पर और गुंडों पर, उस तरीके की कार्रवाई हो और एक मैसेज जाए कि इस राज्य में गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, उस तरीके की गिरफ्तारी हो उसकी। आगे बृहस्पतिवार को प्रधानों की पंचायत होगी आगरा में, हमारे अध्यक्ष जी बता देंगे उसको, और इसके बाद में आगे की रणनीति जो होगी, जो भी होगी, अभी तो हम एक फिर बात कहना चाह रहे हैं, प्रशासन के पास अभी समय है और इस बात को प्रशासन नहीं भूले, सारी जो ताकत है वो प्रधानों के हाथ में है, अगर प्रधानों ने ये बात सही है आज तक अपनी दिखाई नहीं है तो इसका मतलब उनको ऐसा नहीं समझा जाए कि वो मतलब कोई कमजोर हैं या वो तो किसी के इशारों पर ही चलते हैं, अगर उठ गए ना तो फिर स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाएगी, इसलिए निश्चित रूप से प्रधानों की इस इज्जत की बात को, उनकी इस बात का शासन प्रशासन दोनों को ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से आज विचार गोष्ठी रखी है सभी जी। मैं के चाहर, अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन जनपद आगरा। आज सूरत महापंचायत स्थल पर हम सभी हिंदूवादी संगठन और प्रधान संगठन के कुछ लोग एकत्रित हुए और हमारे प्रधान भाई बिचपुरी के श्री सुदीप चौधरी पर हुए हमले के संदर्भ में हम लोगों ने बैठक आयोजित की और आगे की रणनीति को देखते हुए हमने ये फैसला किया है, निर्णय किया है कि हम आने वाले बृहस्पतिवार को पंजाब पुलिस में सभी प्रधान, पूरे जिले के प्रधान एकत्रित होंगे और इस पर तीव्र कार्रवाई हो उसके लिए हम चर्चा करेंगे और आगे की कार्रवाई और रणनीति को तय करेंगे। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीवी न्यूज़।